हेलो भाई नमस्ते एंड वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट डिमांडेड वीडियो ऑन द चैनल फर्स्ट कि मेरा मंथली बजटिंग कैसा रहता है और कितना ज़्यादा मेरा एक्सपेंडिचर है सेकंड क्या एक मास्टर्स करना फ्रॉम द यूके इज़ बेनिफिशियल फॉर अ नॉर्मल मिडिल क्लास स्टूडेंट तो पार्ट वन आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन विच इज़ मेरा मंथली एक्सपेंडिचर कितना होता है और इसमें मैं सारे पार्ट्स बताऊंगी कितना मेरा रेंट है कितना मैं खाने पे इन्वेस्ट कर रही हूँ कितना कहीं और पे कर रही हूँ समथिंग ऑफ सट सॉट्स सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट ओके फ्रेम यही रहने वाला है वीडियो का पूरा सेटअप यही रहने वाला है तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि ट्रांजेसन आ रहा है एंड यू जस्ट गो एंड अ डिफरेंट सेटअप लेट्स जस्ट कीप इट शॉर्ट टू द पॉइंट्स एंड यू कैन टेक योर पेन एंड पेपर टू जॉट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर माई येस सो पहला पॉइंट ये है कि रेंट कितना होता है इफ़ यू आर लिविंग इन द लंडन इफ़ यू आर लिविंग इन द कैपिटल सो वर हैपन्स इज कि यहाँ पर पूरा साल का जो रहता है वो ऑलमोस्ट ट्वेल्व थाउजेंड पाउंड्स रहता है दैट इज़ मिनिमम जी ओ कि होगा अब रेंटली मंथल अगर हम देखें तो मंथली रेंटल आउट साइड ऑफ लंडन इज ऑलमोस्ट लाइक मिनिमम फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड और अगर आप यूनिवर्सिटी के डॉम में रहते हो हॉस्टल में रहते हो तो इट डिपेंड्स सो माय लिविंग एक्सपेंसेस सिक्स नाइन्टी सिक्स पाउंड विच इज़ ऑलमोस्ट सेवेंटी थाउजेंड पर मंथ एंड इसमें मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है आई डोंट हैव टू पे फॉर द लाइट्स आई डोंट हैव टू पे फॉर द काउंसिल टैक्स और एनी काइंड ऑफ सच सॉट क्योंकि स्टूडेंट्स को वो देना भी नहीं होता है बट अगर आप लंडन रहते हो तो मिनिमम मैं बता रही हूँ एट हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड कहीं नहीं जाएगा तो मतलब एटी टू नाइन्टी थाउजेंड द मिनिमम रेन दैट यू हैव टू पे अगर आपको इससे कुछ सस्ता मिल रहा है वेल एंड गुड एंड जस्ट ग्रैप दैट बिकॉज ट्रस्ट मी इससे सस्ता कुछ मिलने वाला नहीं है एकदम से सो दैट्स दैट नाउ कमिंग ऑन टू द ग्रॉसरीज ओके इफ यू डोंट गो आउट मच एंड यू प्रिसाइसली स्टिक कि आप घर पे खाना बनाने वाले हो <coughs> तो उसके लिए मुझे लगता है आपको एक बार में फिफ्टीन टू ट्वेंटी पाउंड्स का ग्रॉसरी आता है जिसमें ब्रेड पीटा ब्रेड मिल्क शुगर सॉल्ट एंड ऑल दोज अदर मसाले एंड फ्यू अदर सब्जीज दैट यू कैन बाय फ्रॉम आम कर्ड ये सब आप ले सकते हो <clears throat> आप फ्रोजन सब्जियाँ ले सकते हो विच इज़ ऑलमोस्ट डेढ़ दो तीन पाउंड का सो so, अगर आप इसको पूरा बजट करते हो तो आपको मंथली आ, मतलब वीकली आपको पचास पाउंड लगता है और मंथली आप देखते हो तो डेढ़ सौ दो सौ पाउंड लगता है वो चिफ्टीन टू ट्वेंटी थाउजेंड आप इसे कट शॉर्ट भी कर सकते हो तो वर्ड आई स्पेंड इज़ वन फिफ्टी पाउंड्स मैक्सिमम जिसमें मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से खा भी लूँ एंड आई ट्राई टू उसका एक डिफरेंट वीडियो बनेगा कि हाउ आई ट्राई टू टेक ऑल द न्यूट्रिय इन गिवन दैट आई एम अ वेजिटेरियन बट अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए बहुत ईजी है एंड एग्स खा सकते हो एंड बाकी सब बहुत कुछ मिलता है लाइक like, स्लसेज uh, मिल जाता हैम्स मिल जाते हैं दैट्स वेरी प्रोटीन एंड गुड बट मी तोफू ही होता है ऑप्शन एंड सम न्यूट्री चंक्स हो गया सोया uh, चंक्स हो गया सो आई थिंक दैट्स दैर प्रोटीन पाउडर अब लेना स्टार्ट कराए तो उसका भी एक मैं डिटेल बाद में बताती हूँ कैसे क्या लिया है बट याद दीज आर द टू फोर थिंग्स दैट यू हैव टू रेली टेक केयर ऑफ बाहर आप जाते हो तो देखो एक मिनिमम सा कॉफ़ी इज ऑलमोस्ट टू थ्री पाउंडस लाइक मिनिमम बोल रही हूँ अगर आप कोस्ता स्टाब से लेते हो क्योंकि इनसे और कोई ऐसा कुछ होता नहीं है शॉप्स कॉफ़ी शॉप्स तो वहाँ पे आपको साढ़े तीन चार पाउंडस का मिलता ही मिलता है एंड इफ़ यू गो आउट टू ग्रैब कोल्ड सैंडविचेस देन कोल्ड सैंडविच ढाई तीन पाउंड का मिनिमम होता है तो अगर आप बाहर के खाने पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो तो वो बहुत महंगा पड़ने लग जाएगा आपको सो आई थिंक आई वुड रिकमेंड दैट डोंट डू इट बट इफ़ यू रियली यू वॉन्ट टू डू इट दैन अप टू यू लाइक आपको अपना कितना पॉकेट मनी बचाना है उसको आप अपना पर्सनली देख सकते हो बट मैं आपको वो स्टेप्स बता रही हूँ आप मिनिमम आपको कैसे रहना है एंड अगर आप वन एंड अ बाहर जाते भी हो दैन यू कैन सी बट यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ द कार्ड दैट यू हैव द आई डी कार्ड अगर आप शो करते हो कि स्टूडेंट हो तो यू के मैं आपको यू गेट फाइव टेन परसेंट डिस्काउंट आई एम नॉट सेंग ऑन फूड स्पेशली फूड पर पक्का नहीं होता है बट ऑन क्लोदिंग एंड ऑन अदर इसेंशल्स यू गेट इट अपार्ट फ्रॉम दैट क्लोदिंग का अभी मैंने इतना ज़्यादा कुछ शॉपिंग किया नहीं है वैन एवर आई वेंट बैक टू इंडिया वेन एवर आई केम योर आई हैड लाइक एम्पल अमाउंट बट हाँ जैकेट आपको एक नॉर्मल सा लेना पड़ता है विच इज़ ऑलमोस्ट फोर्टी टू फिफ्टी पाउंड अगर आप प्राइमार्क से ले रहे हो अगर आप एक ज़ारा से ले रहे हो एच एन एम से ले रहे हो तो ऑलमोस्ट सेम पड़ता है फिफ्टी सिक्सटी बट वो भारी थोड़ा होता है और इतना ज़्यादा मतलब हो सकता है कि कोल्ड का हो और आपको ठंड से बचा ले बट जो प्राइमार्क वाले हैं वो बिल्कुल मतलब उनकी जो अंदर की पैडिंग है दैट इज़ वे बिल्ट कि आप बच पाओ ठंड से प्रॉपर वाले जब माइनस टेम्परेचर्स होते हैं तो क्योंकि वनडी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है तो आई थिंक उसके लिए प्राइमार्क इज़ वेरी गुड आप सुपर ड्राई ज़रूर ले सकते हो सुपर ड्राई की कोई कोई हीट पैडिंग वाले स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जो आपको लेने चाहिए फॉर विंटर्स अपार्ट फ्रॉम दैट आप थोड़ा बहुत ले सकते हो जो आपको Uh, जो नॉर्मल लिए चाहिए राइट right? uh, अभी के लिए हो गया या फिर स्प्रिंग uh, अभी जो जैसे है ऑटम इसके लिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक एक आपको शूज़ अच्छे लेने ही पड़ेंगे आप वो इंडिया से लेकर आओ वो आप अपनी कंट्री से लेकर आओ ना लेकर आओ आपको एक चाहिए ही चाहिए होगा और प्रेफर ऐसा करना कि वो गीला ना हो क्योंकि <coughs> यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है इट इज़ रियली लाइक आप बाहर निकलोगे और आपको लग रहा होगा कि जब मैं यहाँ नहीं आई थी मैं वीडियोज़ देखती थी मैं सोचती थी ऐसा नहीं होता होगा बट ऐसा genuinely होता है यू वॉक आउट यू सी द सन एंड फाइव मिनट्स ये भी पा, पाँच मिनट भी ज़्यादा बोलते हैं पचास सेकेंड मान लो आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग पचास सेकेंड पचास सेकेंड में धूप इधर होती है और बारिश साथ हो रही होती है और ऐसा भी हो सकता है कि ओले भी पड़ रहे हो और धूप भी निकले भी हो सो जिस डोंट गेट कैरिड अवे विद ऑल ऑफ़ दैट बट एक शूज़ आपको अच्छे लेने पड़ेंगे जो कि पचास सौ पाउंड अगेन मतलब मिनिमम सौ पाउंड तो है ठीक है तो बट एनी वे डेढ़ सौ पाउंड और सिक्स नाइन्टी सिक्स जो मैंने आपको बताया वो जो सेवन हंड्रेड एंड वन फिफ्टी तो एट फिफ्टी मेरा है मिनिमम जो कहीं से कहीं तक नहीं जाता इसमें मैं कभी दो दिन में बह जाऊँ और सोचूँ कि अरे आज मैं ये खा लेती हूँ <coughs> या मैं ट्राई कर लेती हूँ या फिर मैं कुछ नया चीज़ आया है सेंसबेरी एल डी डेस्क कहीं पे भी और मैंने ट्राई करने का मन कर गया तो अब मान के चलो फाइव पाउंड्स जस्ट गो अवे ट्रांसपोर्टेशन मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के बहुत पास रहती हूँ तो मेरे को यूनिवर्सिटी पैदल जाना पड़ता है बट इफ़ यू टेक अ बस ठीक है एक नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन बता रही हूँ तो अगर आप बस लेते हो तो बस लेने का वन टाइम लाइक एक बार चढ़ोगे अंदर एक बस के तो यू हैव टू टैप अ कार्ड विच इज़ टू पाउंड्स ओके okay, और आप अगर वो टू पाउंड टैप करते हो वापस आते हो टू पाउंड्स मोर ठीक है बट आप पूरे दिन अगर कहीं भी घूमते हो स्पेसिफिकली मैं एक नॉर्मल नॉन लंडन सिटी का बता रही हूँ तो आपको एक मैक्सिमम लिमिट चार्ज होता है विच इज़ 4.5 पॉइंट फ़ाइव आप बीस बार बस में घूमो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट फोर पाउंड विच इज़ साढ़े तो बाहर भी जिस दिन हमें जाना होता है लाइक मैं एक नॉर्मल बच्चे का बोल रही हूँ वो सोच के जाएगा कि अगर उसको तीन दिन का काम है वो एक दिन क्लब करके ही जाए सो दैट यू कैन ट्राई एंड सेव मनी बट इफ दैट्स नॉट अ पॉइंट दैन ऑब्वियसली लाइक यू कैन टेक केयर ऑफ इट सो ऑल एंड ऑल आई थिंक दीज आर द मेन असेंशियल थिंग्स दैट यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ और कुछ होता है तो आई विल लेट यू नो मिलते हैं जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग